पे लड़ाई हो गई दुकान वाला। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं वृंदावन की होली खेलने के लिए। ये दोनों भाई हैं अपने छोटे मामा के लड़के, और अभी चूहा को बैठाते हैं, असली वाला नहीं, मेरा दोस्त है चूहा, और फिर जाते हैं वृंदावन, देखते हैं कितनी भीड़ है वहाँ पे। वृंदावन की होली खेलेंगे आज पहली बार। आपने खेली है? और नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ भाई। हम सभी पहली बार जा रहे हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी द वृंदावन होली। यस, वृंदावन की होली, आई लव इट यार। ओ भाई रुक जा, तो चलते हैं गाइस। अपने लिए आ गया चूहा। ये चूहा, इसको तो देखा होगा, ये लोग घर में घुस के कपड़े काटता है सबके। कितने कपड़े को उतर गया, सही से बताना। साले डेढ़ घंटे बाद, डेढ़ घंटा तेरा वो किया वेट मैंने। देख रहे हो पेट, देख रहे हो इनका रिजाइन डाल क्या है, रिजाइन डाल क्या है, ये देख लो। हेलो गाइस, तो आज मैं नौकरी से फ्री हो गया हूँ। नौकरी से फ्री हो गया अभी, आज आप पंची बन गया है यहाँ। तूने हमारा माथा खराब करो, वो क्या बोतल ठीक है यार, दिक्कत हो रहा है। एक डेढ़ घंटे का वेट कर दिया यार, बहुत टाइम लगा दिया यार तूने सच में यार। फाइनली हमने वृंदावन में एंट्री कर ली है। तो यहाँ पे एंट्री बंद कर रखी है, अभी मैंने अपने भाई को बुलाया है, तो अभी आने वाला है, वो एंट्री कराएगा अभी। एंट्री फोन तो कर दिया उसको गाइस, यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा है ना, इसलिए सबने एंट्री बंद कर दी यहाँ पे। हाँ, ये अपनी मस्ती में रहता है। खजाना मिला गाइस हमें, क्या है ये 27,000 रुपए का, और क्या ऐसी पड़ी रहती है 27,000 रुपए। अरे मोटा पैसा देखो, यहाँ और भी गाड़ियां रोक रखी हैं, ये बैग ले रहे हैं। मोटी चैन, मोटा पैसा, हमें भी बैग लेनी पड़ेगी क्या? हैं, बैग नहीं लेंगे, हमारी तो जाएगी भाई अभी, बस दो मिनट रुक जाओ यार। चंडीगढ़ नंबर है, कोई वीआईपी आया होगा जरूर। ये लेक्सस है इसी के साथ है शायद, ये पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे इनको अंदर। मेरे पास एलसी होती, मैंने सुन रहा हूँ क्या कह रहा है, एलसी होती नहीं सुनता किसी की भी, अपने कहा होंगी मुझे पैसा इतना, पर पैसा फेंको और काम करवाओ। अच्छा, पैसा किस लिए, पैसा कमा तो रहा है तू, तेरे अंडर बैंक काम कर रही है, नौकरी छूट गई, बैंक तेरे अंडर है भाई। कहाँ अंडर, ये आ गया अपना भाई, अब ये जुगाड़ करेगा कुछ ना कुछ। तो ये देखो अंदर जाने के लिए कितनी मारामारी हो रही है, वीआईपी लोगों को भी नहीं जाने दे रहे। देखो कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है हमको, है अंदर जाने के लिए, सोसाइटी में होके जाना पड़ रहा है हमें। ये देखो ये भी कोई अपना भाई है राजपूत। सॉरी यार, मैंने पुलिस वालों को गलत बोला, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। एक पुलिस वाला मिला था गाइस हमको, तो वो बोला कि मैं जाने दूंगा तुम्हें, और क्यों जाने दूंगा, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि हमारे पास गाड़ी डस्टर है, उसके पास भी डस्टर है, हमारी भी डस्टर है, तो उसकी भी डस्टर थी। वो बोला मैं गाड़ी की वजह से जाने दे रहा हूँ, तो हमारा काम बन गया, इसलिए फिर हम वहाँ से नहीं गए, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं अभी। और भाई अभी गेट खुलवा रहा है, गेट लगा हुआ है, खुल गया, सिम सिम खुल गई, सिम सिम खुल गई। भाई कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना अंदर जाने के लिए। वृंदावन की होली का अलग ही आनंद है, राधे राधे। परिक्रमा दें, परिक्रमा, परिक्रमा, हाँ अभी हम बिहारी से जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बड़े भाई के साथ, बहुत जल्दी मिलेंगे भाई। इतना गुलाल उड़ रहा है बहुत ज्यादा, असली भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी। देखो भीड़ है, गवर्नर यहाँ पे डांस कर रहे हैं,
और गाना गा रहे हैं। भाई प्रॉपर बैरिकेडिंग कर रखी है ढंग से, पहले ये सब नहीं था। गाइस यहाँ पे लड़ाई हो गई, दुकान वाला पता नहीं किसको गाली दे रहा है। अंकल जी दर्शन तो अच्छे हो गए थे, लेकिन जब लाइन में लगे हुए थे ना उस टाइम ऐसी कंडीशन हो रही थी जैसे चक्रा और बेलन के नीचे रोटी नहीं होती है, ऐसे हम बिछे हुए थे उसमें, हमारी रोटी बन गई थी। इतनी ज़्यादा भीड़, कोई आगे से धक्का दे रहा है, कोई पीछे से धक्का दे रहा है, हालत ही ख़राब हो गई, ऐसी लगी सांस गई। और भी हमारे साथ लोग थे, सबका ये हाल, जैसे लक्ष्मण झूला पे झूला नहीं झूलता है ऐसी वो लाइन झूल रही थी। बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, लेकिन कोई ना, एंड में दर्शन हो ही गए, वो भी काफ़ी बढ़िया हुए। तो गाइस सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी जाके हम फ्री हुए हैं होली खेलने के बाद, तो मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा 5:55 हो रहे हैं और अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आँखों में नींद भरी पड़ी है, गुलाल लगा हुआ था, अभी धोया सर से, शैम्पू किया सर में, तो बस घर जाके सोना है। मैं तो 2 दिन तक उठने वाला हूँ नहीं अब सोने के बाद, भाई पूरी रात हो गई, कल की रात नहीं सोए, आज की रात कल भी नहीं सोए, आज भी नहीं सोए, पता नहीं अब कल कब उठेंगे, घर पहुँचने के बाद बस सोना ही है, अब पता नहीं अब कब उठेंगे। पहली बार ऐसी होली खेली है, इतने मजे आए, इतने मजे आए, बहुत लाइफ पहली बार खेले, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये सबका, वो भी रैंडम प्लान के साथ, रैंडम प्लान के साथ रूम पर बैठे हुए थे, भैया ने बोला आजा, कोई नहीं जो भी होता है वो अच्छा होता है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और बिहारी जी के दर्शन भी इतने शानदार हुए, इतने अच्छे हुए, मजा आ गया बिहारी जी के दर्शन में, तो बस मतलब जो भी हुआ कुल मिला के सब अच्छा हुआ, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, सब मतलब मजा आ गया, एकदम सुकून जिसे कहते हैं वो फील हुआ आज मुझे पहली बार। कोई नहीं अब तो चक्कर लगते रहेंगे बिहारी जी। बाकी सुबह का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, अभी सनराइज होगा ना तो और भी प्यारा मजा आएगा। आप लोग देख नहीं पाओगे तब तक हम घर पहुंच जाएंगे, नहीं तब तक तो शायद आ जाए। नहीं है। So guys, finally, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।